अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। और आज की वीडियो में बात करने वाला आपसे ऑनर के एक और स्मार्टफोन की, जिसका नाम है 20S। और ये पाकिस्तानी मार्केट में इसको अपर मिड रेंज का स्मार्टफोन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो 40,000 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। और अभी ये पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुआ ऑफिशियली, और जब ये रिलीज होगा तब पाकिस्तानी मार्केट में इसकी जो प्राइस होगी राउंड अबाउट 44,000 के आसपास होगी। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के फीचर्स क्या क्या है, इसको स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, और ये कब रिलीज होगा, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, और वीडियो पसंद आए तो उसके बाद आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोस्तों, इसके अंदर ओरियो 9.0 एंड्रॉयड यूज होगा, और उसके बाद यहाँ पे EMUI 9.1 यूज नहीं होगी, यहाँ पे मैजिक UI 2.1 यूज कर रहा है ऑनर। और इसका थोड़ा सा फीचर्स वगैरह कैसे होंगे, और बड़ा एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा होगा ये किस तरह का इसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि इसके पंच होल कैमरा है, फ्रंट कैमरा जो है पंच होल है, तो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है ऑनर ने। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो ऑक्टा कोर इसका प्रोसेसर है, और इसकी दो कोर्स जो है वो काम कर रही है 2.27 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे, कोर्टेक्स A76, और छह कोर्स जो है वो काम कर रही है 1.88 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे, कोर्टेक्स A55। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी जीपीयू की। जीपीयू इसका कमाल का है, कमाल इसका चिपसेट इन्होंने लगाया है। अब हाई सिलिकन केरन 810 और 7 नैनोमीटर, ये इसका चिपसेट है, और इसके अंदर माली G52 का जीपीयू लगा है। तो मतलब तबाही परफॉर्मेंस है गेमिंग के लिहाज से। अगर पबजी को अगर आप HD से ऊपर भी थोड़ा प्लस HD प्लस के अंदर भी खेलेंगे, तो आपको कोई भी फ्रेम आपका ड्रॉप नहीं होगा, कमाल की स्पीड के साथ आपको कमाल का यूजर इंटरफेस और यार कमाल का यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यार ये जो तो इसका प्रोसेसर, जीपीयू और इसका जो चिपसेट है, इसके अंदर इसको 10 out of 10 दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके IPS टच स्क्रीन की। 16 मिलियन प्लस कलर्स और मल्टी टच आपको मिलेगा इसके अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो यार इसका जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल विद डेप्थ सेंसर्स, और मतलब 48 मेगापिक्सल यानी ट्रिपल सेटअप कैमरा आपको मिलेगा, और 48 मेगापिक्सल ऑसम 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी इसके साथ मेगा, और 30 फ्रेम्स पर सेकेंड 1080 का पिक्सल हम कैप्चर कर सकेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। जो हमारे पास मेन कैमरा है वो करेगा 2K रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट। तो मतलब यहाँ पे इस कैमरा सेटअप के अंदर भी काफी ज्यादा काम किया है, और इसके AI मोड को काफी ज्यादा इन्हांस किया जाए। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके रिकॉग्नाइज करेगा, फेस डिटेक्शन के अलावा बहुत कुछ ये रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा डिफरेंट जो ब्यूटी मोड्स होते हैं, इसके अलावा काफी ज्यादा कैमरा के अंदर इनके अंदर फीचर अवेलेबल कर दिए हैं ऑनर ने। और ऑनर जो है वो काफी ज्यादा इन्फिनिक्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव सिनेरियोज क्रिएट कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि ऑनर प्ले 3 जो है वो भी बड़ी जबरदस्त किसी भी स्पेसिफिकेशंस के साथ पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है, और ये जो है ये तो मतलब एक तरह से तबाही मचा रहा है। और इसका जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है, यानी 1080p का पिक्सल है, और डेंसिटी जो है इसकी 412 PPI है। तो दोस्तों, अब सबसे ज्यादा जो इसकी प्राइस क्यों है, वो तकरीबन सेम है स्पेसिफिकेशन है इसकी ऑनर प्ले 3 के साथ, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा है, राउंड अबाउट 44,000 के आसपास हमें मिलेगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे इसकी जो स्टोरेज है वो हमें मिलती है 128 GB इंटरनल स्टोरेज, और उसके साथ 6 GB की रैम, और प्लस एक और वेरिएंट होगा जिसके अंदर हमें 8 GB की रैम भी अवेलेबल होगी। तो दो वेरिएंट है, 6 GB 128 GB और 8 GB 128 GB। तो इसलिए इसकी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा लग रही है हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, लेकिन 6 GB 8 GB के लिहाज से मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल प्राइस है। तो दोस्तों, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, और काफी ज्यादा सेंसर्स इसमें अवेलेबल है, फेस डिटेक्शन वगैरह, तो वो तो आपको नॉर्मली इसके अंदर मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग के लिए, और उसके बाद आपका माइक्रोफोन जो है वो भी जबरदस्त किस्म का लगाया गया है, डुअल सेटअप है उसके अंदर भी, और एक नॉइज डिटेक्ट करके उसको कैंसिल करेगा, और बिल्कुल क्लियर वॉइस क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की और बैटरी टाइमिंग की। तो दोस्तों, इसकी अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 3750 mAh की है, और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है अप टू 20 वॉट। और इसके अंदर ये है कि आप राउंड अबाउट 25-30 मिनट के अंदर पूरा मोबाइल चार्ज कर लें और दोबारा उसको यूज कर लें, लेकिन ये एक दिन का जो आपका टाइम है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से निभाएगा आपके साथ, और डेढ़ दिन नॉर्मल यूज करें तो डेढ़ दिन दो दिन आपको निकाल ही देगा।
और उसके बाद हम बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसकी बनती है 44,000 पाकिस्तानी, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल प्राइस है। लेकिन अगर 8 GB का वेरियंट मिले तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब ये प्रॉपर रिलीज होगा मोबाइल फोन, तो इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या होगी। उसके लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अच्छा फीचर है वो कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों अच्छा नहीं लगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बिल्कुल वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसको क्लिक कर देना, साथ में बेल का आइकन भी होगा उसको भी क्लिक कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।